नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में एक बार फिर भूमाफियाओं पर जमकर बरसे। मंगलवार देर शाम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने कहा कि अब कोई बब्बू छब्बू नहीं बचेंगे, सरकार का ठाट है काय का बब्बू और काय का छब्बू। इसी बीच जनता की तरफ से कुख्यात भूमाफिया बॉबी छाबड़ा का नाम जोरदार तरीके से गूंजा। बॉबी की आवाज पर शिवराज बोले कि कोई भी हो बब्बू या बॉबी, अपना काम है न्याय दिलाना, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी सरकार का लक्ष्य, मेरा लक्ष्य है आमजन को न्याय, उसका अधिकार दिलाना। मैं फिर कह रहा हूं, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और माफियाओं के लिए व्रत से अधिक कठोर है मध्य प्रदेश सरकार। इंदौर के प्रशासन को बधाई देता हूं, माफियाओं को तबाह कर दो, इंदौर मध्य प्रदेश के लिए मिसाल बनेगा। लोगों को कब्जे दिलवाओ, मकान बनवाओ, आउट ऑफ वे जाकर काम करना पड़े वो भी करो, चिंता मत करना, टाइगर अभी जिंदा है, कानूनी लड़ाई भी मिलकर लड़ना है, क्योंकि इन माफियाओं के सारे दांव हम जानते हैं, अब कोई अब्बू बब्बू छब्बू बॉबी नहीं बचेंगे। सीएम ने कहा कि न्याय दिलाना हमारी ड्यूटी है, प्रशासन की ड्यूटी है। उन्होंने भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि भूमाफिया मध्यप्रदेश की धरती छोड़ देना, नहीं तो 10 फीट गाड़ दूंगा। ये केवल इंदौर के लिए नहीं, पूरे मध्यप्रदेश के लिए कह रहा हूँ। बेईमानों, बदमाशों, ठगों, माफियाओं, अगर जनता के साथ किसी ने अत्याचार और अन्याय करने की कोशिश की तो कहीं नहीं छोड़ूंगा। आज ही के मैं प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी कि कई लोगों को प्लॉट पर कब्जा दिलाने का दावा करने वाले प्रशासन के पास इस बात का जवाब नहीं है कि इतने सालों से चल रहे घोटालों में शामिल अधिकारियों और नेताओं का शिकंजा क्यों नहीं कसा गया है। बॉबी छाबड़ा सहित अन्य नेताओं के पास भूमाफियाओं पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। विधायक ने कहा है दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। विधायक महेंद्र हार्डिया ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए मांग की है कि भूमाफियाओं की मदद करने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही होना चाहिए, जिनकी हरकतों के कारण हजारों लोग पिछले कई सालों से अपने अधिकारों से वंचित रहे। इसी कड़ी में ये भी पढ़े, फिलहाल सावधानी ही बचाव है। मुख्यमंत्री बोले, इंदौर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, मैं नहीं चाहता कि लॉकडाउन जैसी स्थिति बने, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जालसाजों से सावधान रहें, लोगों को ठगने के लिए हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट देन का झांसा दे रही चिटफंड कंपनी, भूमाफियाओं पर हो रही कार्यवाही, 250 लोगों के करोड़ों रुपए हड़प कर बैठा कॉलोनाइजर मालपानी, 23 साल तक नहीं किया विकास, अब जमीन बेचने की कोशिश की है, कब होगी कार्यवाही। मंत्री जी, टैक्स चोर और गुटखा माफिया किशोर बाधवानी अब तक फरार क्यों है। भूमाफियाओं से पीड़ित लोगों के बीच होंगे सीएम, क्या मुख्यमंत्री पूरा कर पाएंगे अधूरा न्याय। गृह निर्माण संस्थाओं की धांधली में अधिकारियों नेताओं पर कार्यवाही की चुनौती दी है। प्रशासन को बधाई देता हूं, कमिश्नर, विशेषकर कलेक्टर, आईजीएसपी, चिंता मत करना, मैं मुख्यमंत्री हूं, तबाह कर दो माफियाओं को, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और कल कलेक्टर कमिश्नर आईडीएसपी कॉन्फ्रेंस है, 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है मनीष, इंदौर में कैसे साफ किया, इंदौर मिसाल बनेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में जो अन्याय और शोषण के शिकार हुए उनको न्याय मिलेगा, और अन्याय भी कैसा है, ड्राइवर अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, झाड़ू पोछा लगाने वाले, एक की जमीन दूसरे को बेच दी, और आपत्ति की तो बब्बू छब्बू खब्बू ठब्बू, अब ये कोई अब्बू छब्बू नहीं बचेंगे, कौन से अब्बू छब्बू, सरकार का ठाट है तो कहेगा बब्बू, कहेगा छब्बू, आएगी कितना चलते, ये कोई नहीं बचेगा, कोई भी हो बब्बू हो चाहे भाभी हो, गड़बड़ करने वाला गड़बड़ है, और अपना काम है न्याय दिलाना, और ये अभियान चलेगा पूरे मध्यप्रदेश की धरती पर चलेगा, और ये हमारी ड्यूटी है, प्रशासन ने बिल्कुल ठीक किया, झाड़ झंझाड़ साफ कर, हर एक को न्याय मिले और गड़बड़ करने वाले को सजा मिले, यह हमारा संकल्प है। न्याय देने का अभियान प्रारंभ हुआ है और यह लगातार चलेगा, केवल इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, और जितने अलग अलग तरह के माफिया है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई चल रही है।
ये कार्रवाई अंतिम व्यक्ति तक न्याय दिलाने के लिए जारी रहेगी। शिवे ड्रग माफिया के खिलाफ और सख्ती किस तरह से करेंगे? जिस तरह की सख्ती की जरूरत होगी। आप देख रहे हैं पहली बार उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है, जेल भेजे जा रहे हैं। मिलावट के खिलाफ हमने नया कानून अभी विधानसभा में पारित होने वाला है। ड्रग माफियाओं को भी नहीं छोड़ेंगे और जैसा अभी मांग की गई जरूरत पड़ी तो नए कानून भी बनाए। राहुल गांधी सिंधिया के आपके पास आने में सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं सीएम नहीं बन सकते। भैया राहुल गांधी जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब कहां गए थे? केवल ज्योतिरादित्य जी के साथ अन्याय नहीं हुआ, कांग्रेस ने तो स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव जी सिंधिया के साथ भी अन्याय किया, उनको कभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अब जब साथ थे तो लात मारते थे और बाहर चले गए तो इशारे से बुला रहे हैं। और राहुल बाबा तब क्या हो गया था जब आपके साथ थे? लेकिन मैंने कहा उनकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल